लेट्स डिस्कस अबाउट दी प्रॉपर्टीज, राइट? पीरियड हमने पढ़ा, ग्रुप हमने पढ़ा, तो उसका नंबर कैसे लिया जाता है? पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दी पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दी फर्स्ट पीरियड, राइट? फर्स्ट पीरियड में देर आर टू एलिमेंट्स. वन इज हाइड्रोजन, अनदर इज हीलियम. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, दे आर वेरी सिंपल, राइट? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो एक शेल आएगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा. सिंपल. लेट्स टॉक अबाउट द हीलियम. हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है, राइट? एंड द शेल इज कंप्लीटेड, राइट? तो फर्स्ट शेल में, फर्स्ट पीरियड में, इफ यू सी ओवर हियर, देयर इज ओनली वन शेल, राइट? एक ही शेल है उसके पास, राइट? सो इट इज फर्स्ट पीरियड. रिमेंबर, जितने पीरियड होंगे उतने शेल्स रहेंगे, राइट? सो फर्स्ट पीरियड में, राइट, देयर इज ओनली वन शेल. और यू कैन से एज वेल, इफ देयर इज ओनली वन शेल, राइट, इन टू द एलिमेंट्स, इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट पीरियड, राइट? वेरी सिंपल. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पीरियड नाउ, राइट? सो वी कैन फाइनली कंक्लूड फर्स्ट पीरियड ओनली वन शेल. सिंपल, हाइड्रोजन एंड हीलियम. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पीरियड नाउ. सो सेकेंड पीरियड वी हैव लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, राइट? अराउंड एट, आई थिंक, यस, एट एलिमेंट्स वी हैव ओवर हियर. नाउ लेट्स सी द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ इट. लेट्स स्टार्ट विद द लिथियम. कितने शेल है, दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन, राइट? लिथियम के पास थ्री इलेक्ट्रॉन है. वी नो द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर. अभी तक नहीं आया तो प्लीज प्रैक्टिस कर लो, इट्स रियली गुड, राइट? सो थ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट? पहली शेल में दो ही आएंगे. अब तीसरे के लिए यू नीड दिस सेकेंड शेल, राइट? सो इट बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड एंड इट हैज टू शेल्स, राइट? लेट्स टॉक अबाउट द बेरिलियम. बेरिलियम के पास कितने शेल्स है? दो. गुड. लेट्स टॉक अबाउट द बोरॉन देन. ओके, बोरॉन के पास भी दो शेल्स है, राइट? कार्बन के पास, गैस करो, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन ही बढ़ेगा, हर बार एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा. लिथियम तीन, बेरिलियम फोर, बोरॉन, राइट, फाइव, हियर कार्बन सिक्स, राइट? आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इनर में नहीं होगा, राइट? याद रखना. ओके, सो एंड रेस्ट, दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, राइट? सो सी, फ्रॉम लिथियम टू नियॉन वी हैव ओनली टू शेल्स, राइट? तो सेकेंड पीरियड में सबके पास दो शेल्स ही रहने हैं, राइट? और वी कैन से रिवर्स एज वेल, कि जिनके पास दो शेल्स है, दैट बिलोंग्स टू विच पीरियड? दैट इज द सेकेंड पीरियड, राइट? सो दिस इज द कंक्लूजन. सेकेंड पीरियड ओनली टू शेल्स, फर्स्ट पीरियड ओनली वन शेल. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पीरियड. सो थर्ड पीरियड में गैस करो कितने शेल्स होने चाहिए, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्स, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, देन सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, राइट? सबके इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर देख लेते, सिंपल वन, राइट? सो सी, सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? दो तक, व्हेन यू हैव द 10 इलेक्ट्रॉन्स, दो सेल्स भर जाएंगे आपके. टू हैव वन मोर इलेक्ट्रॉन यू नीड द थर्ड शेल, राइट? सेम गोज विद द मैग्नीशियम, हर बार एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा. आउटर शेल में यहाँ एक है, तो यहाँ आउटर शेल में दो रहेंगे. फिर एल्यूमिनियम के तीन हो जाएंगे, सिलिका के चार हो जाएंगे, फॉस्फरस के पांच हो जाएंगे. वेरी सिंपल वन, राइट? सो वी कैन ऑब्जर्व दैट फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, राइट, सोडियम टू आर्गन सबके पास तीन शेल है, एंड दे बिलोंग्स टू विच पीरियड? थर्ड पीरियड, राइट? सो थर्ड पीरियड थ्री शेल्स, सेकेंड पीरियड टू शेल्स, फर्स्ट पीरियड वन शेल, राइट? ये याद रखो. सो दिस इज द पीरियड नंबर, आइडिया बिहाइंड द पीरियड नंबर, राइट? सो दिस इज आवर कंक्लूजन इज, राइट, फर्स्ट पीरियड ओनली वन शेल, सेकेंड टू शेल्स, थर्ड पीरियड थ्री शेल्स. अब इफ यू टॉक अबाउट द फोर्थ पीरियड, देयर विल बी फोर शेल्स, फिफ्थ पीरियड फाइव शेल्स, सिक्स एंड सेवन, सो ऑन. दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड, राइट? सो दिस इज हाउ वी गिव द पीरियड नंबर. सेवन पीरियड है तो सेवन शेल रहेंगे, राइट? विल सी द स्ट्रक्चर एज वेल. सो दिस इज आइडिया बिहाइंड द पीरियड नंबर. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स पर शेल, मतलब एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते, उसकी कैपेसिटी कितनी है, राइट? तो सबसे पहला शेल कौन सा था? के शेल था, हमने पढ़ा था, राइट? सो एंड वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पीरियड. फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन एंड हीलियम, राइट? एंड ओनली टू इलेक्ट्रॉन इज द कैपेसिटी. सो दिस इज द फॉर्मूला वी कैन गिव, टू एन स्क्वायर, राइट? फर्स्ट शेल नेम वी नो के, राइट? टू इंटू वन स्क्वायर, सो वी गेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी है टू इलेक्ट्रॉन्स की. लेट्स सी दिस सेकेंड शेल. यू कैन जस्ट डू द कैलकुलेशन एंड गेट द आंसर. सेकेंड शेल में आते हैं टू. यू नो व्हेन वी वर राइटिंग द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर इन ग्रेड नाइन, वी हैव रिटन 288, राइट? दिस इज वॉट वी आर गेटिंग ओवर हियर.
Then let's see the third shell, that is 3. Obviously we are going to substitute 3 over here, and that is 18. Now you must be thinking ki 18 kyun hai yahan, वैसे तो 8 होना चाहिए, हमने 80 पढ़ा था, right? So basically for third one we have the two shells, inner shell and outer shell. We are not going to discuss much into detail, you learn in 11 and 12 if you choose for the science stream, right? So outer shell mein 8 hote, inner shell mein zyada hote, aise arrangement hai usme, right? Fourth and fifth, now see the third period is the shorter one with the 8 one, so it is called as the short period, right? Fourth or fifth mein aayenge kitne, 18, I believe it is again 18, right? And that is called long periods. And for 6 and 7 there are 32, right? So 32 elements hai to 32 electron jayenge, 18 elements hai, 18 electrons jayenge. This is the basic idea of the right number of electrons per shell. Now let's discuss about the group number. Okay, group number kaise diye jaate hain, right? So let's talk about the second period over here, and we know there are 1 to 18 groups are there into the modern periodic table, right? So this is the electron structure I have written over here, and valency is there over here below that, right? We'll only focus on the electron structure for a while, that's sufficient. To see valence electrons kitne hai, basically ki jo last outer shell mein jitne electrons hai na, that is the main idea behind the group number. Isme one hai, so it is going to belong to first group. Isme do electron hai, it going to belong to second group. But dekho carbon, boron ki baat karte hai pehle, baad mein carbon, boron ke 3 hai, so it does not belong to third group, but it belongs to 10 plus 3, valence electron 3 hai, right? So it belongs to 10 plus 3, 13 group. Same for the carbon, 10 plus 4, that is 14 group. Here for nitrogen, 10 plus 5, 15, right? 10 plus 6, that is 16, 10 plus 7, that is 17, and 10 plus 8, that is 18, right? So this is how we give the group numbers, very basic idea, right? Now let's just summarize and find the idea. First of all, periodic number, right? It is element is equal to the number of electron shells in its atom, right? Jitne shells hai utna period number hai. Simple, very basic idea, zyada sochna nahi hai, right? Okay, when two or more elements have the same number of valence shells, matlab unke shells agar same hai, toh they belong to the same period. Very simple idea. Un sab ke jaisa ki humne baat ki thi sodium, magnesium, un sab ke the three shells, toh wo dono kis mein belong karenge? Same period mein. That is period number 3, right? And remember for the group, right? Element having up to 2 valence electrons is equal to the number of valence electrons, right? Jab bhi hum baat karte till 2, right? Jitne bhi valence electrons the, wahi unka group number tha. Uske baad wala kya tha? 10 plus wali calculation thi. 10 plus 3, 10 plus 4, right? So this is the concept of the period number and the group number and number of electrons per shell.